सभी बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे एसी जनरेटर, जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता है, जनरेटर जिसको हम जनित्र के नाम से भी जानते हैं, जनित्र या विद्युत उत्पादक, विद्युत उत्पादक क्या होता है इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एसी इन्वर्टर होता है प्रत्यावर्ती अल्टरनेट करंट, तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, धारा डायनमो के नाम से इसको जानते हैं। सभी नाम इसके एक ही है, डायनमो के लोग, जनित्र के लोग, जनरेटर के लोग या विद्युत उत्पादक मशीन के लोग, सभी जो नाम है वो एक ही है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज हम प्रत्यावर्ती धारा डायनमो पढ़ेंगे। डायनमो या जनरेटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जनरेटर देखा ही होगा, डायनमो। तो ये क्या करता है कि जो जनित्र होता है, जनरेटर होता है, ये हमारे पास में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो डिवाइस होती है, युक्ति होती है, उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, जनरेटर या जनित्र के नाम से जानते हैं उसको। तो जनित्र किसको कहेंगे, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगी, उस युक्ति को हम जनरेटर या जनित्र के नाम से जानते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, एसी डायनमो। तो एसी डायनमो क्या करेगा कि वह डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा, प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है, उस युक्ति को हम प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहते हैं। तो डायनमो का मतलब क्या हुआ, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, उसको हम बोलते हैं डायनमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो किसको कहेंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली डिवाइस क्या कहलाएगा हमारे पास में, एसी डायनमो कहलाती है। अब एक चीज इसमें ये नोट ध्यान रखना है कि डायनमो जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अभी हम केवल एसी डायनमो की बात कर रहे हैं, इसके बाद में अगला वीडियो हम डीसी डायनमो का भी बनाएंगे, तो अभी हम एसी डायनमो के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डायनमो आपने देखा होगा, उसके अंदर की जो बनावट होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक इसमें क्षेत्र चुंबक मैग्नेट लेते हैं, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, चुंबक क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। एक आर्मेचर होती है जो घूमती रहती है। दूसरा पार्ट इसमें ये रिंग होती है, सर्किल वाले, जिसमें रिंगें बनी होती है, इसको हम सर्किल वाले के नाम से जानते हैं। और चौथा पार्ट ये कार्बन के ब्रश होते हैं, जो पत्तियां होती है। ये चार पार्ट इसमें होते हैं। और सभी में ध्यान रखना है कि ये जो क्वाइल होती है, आर्मेचर होती है, ये चुंबक के बीच में घूमती रहती है किसी साधन के माध्यम से, इसलिए उसको कहा गया यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है किसी साधन से उसको अपने को घुमाना, तो जो घुमाने के लिए एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी यंत्र के माध्यम से, मैकेनिक्स के माध्यम से इसको हम घुमाएंगे, चाहे टर्बाइन पे पानी गिराएंगे या और कोई साधन से उसको हम घुमाएंगे, तो इसको घुमाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और वो यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो डायनमो का काम होगा कि मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। कि डायनमो आपने देखा भी होगा इस तरह से रहता है, इसके अंदर ये चार पार्ट अलग अलग होते हैं। तो अब हम एक एक करके इसके चारों भाग के बारे में देखेंगे और उसकी कार्यविधि देखेंगे। तो मैंने बताया इसमें चार भाग होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, ये मैग्नेट होता है, पावरफुल मैग्नेट। यदि मान लो छोटा डायनमो हो तो उसमें यू आकार का, जैसे हमने यहाँ बता रखा, ये यू टाइप का मैग्नेट लगा होता है। और यदि पावरफुल मैग्नेट, पावरफुल मतलब बड़ा यदि जनरेटर होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी लगा होता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, पहला है हमारे पास ये मैग्नेट वाला पार्ट जिसको हम फील्ड मैग्नेट बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। तो ये क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यदि छोटा डायनमो है तो उसमें नाल आकार का यू टाइप का मैग्नेट लेते हैं हम,
यू आकार का मैग्नेट लेते हैं इस टाइप से, ये या इस टाइप से मैग्नेट लेते हैं, और यदि कोई बड़ा डायनामो होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट या विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्षेत्र चुंबक, ये वाला होता है मैग्नेट वाला। दूसरा पार्ट हमने लिखा है आर्मेचर। ये एक तार की कुंडली बनी होती है, तांबे के तार की कुंडली बनी होती है, इसमें ये घूम रही है, ये इस घूमने वाले पार्ट को आर्मेचर बोलते हैं। ये तांबे के तार की कुंडली होती है, जैसे इसमें भी घूम रही है, इसमें भी ये घूम रही है, ये कुंडली होती, क्वाइल होती है, इस क्वाइल को हम बोलते हैं आर्मेचर। वास्तव में आर्मेचर किसको कहते हैं, इसमें एक एक्सल लगी होती है, धुरी लगी होती है, और धुरी के साथ जो तांबे के क्या कह सकते हैं आयरन की कोर क्रोड होती है, पत्ती होती है, उसके ऊपर एक कुंडली लपेटी जाती है। तो कुल मिलाकर ये कुंडली, क्वाइल, क्रोड और एक्सल, इसकी एक्सल होती है, धुरी होती है, जिसके पर घूमती है, इन तीनों को मिलाकर आर्मेचर नाम दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा पार्ट हमारे पास में होता है इसमें स्लिप रिंग, जिसको हम सर्पी वाले के नाम से जानते हैं। ये जो रिंगे बनी होती है, ये रिंग, एक रिंग ये और एक ये रिंग, सभी में दो दो रिंग दिखाई गई है, जिसमें एक रिंग ये होती है और दूसरी रिंग ये होती है, ये सर्पी वाले कहलाता है, स्लिप रिंग कहलाती है, जिसको हम सर्पी वाले के नाम से जानते हैं। ये भी तांबे की बनी होती है, ये पूरे राउंड में एक गोला होता है, इस तरह से सर्कल होता है, और दोनों की एक्स अक्ष एक ही होती है, इसलिए इसको हम समाक्षी सर्पी वाले भी बोलते हैं, कोएक्सियल, दोनों की एक्सेस एक ही होती है, बीच में सेंटर दोनों एक लाइन में लगी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समाक्षी सर्पी वाले के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये रहता है कि ये जो क्वाइल होती है, आर्मेचर होती है, इसका एक सिरा एक सर्पी वाले से होता है, और जो दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे सर्पी वाले से जुड़ा होता है। मतलब ये जो रिंग होती है, इस रिंग से ये तांबे के तार जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने बता रखा है, ये एक इससे जुड़ा रहता है और एक इससे जुड़ा होता है, तो दोनों अलग अलग, जो आर्मेचर के दो सिरे होते हैं वो दोनों अलग अलग सर्पी वाले से जुड़े होते हैं, एक सिरा इस सर्पी वाले से और दूसरा सिरा इस सर्पी वाले से जुड़ा होता है, और ये सर्पी वाले क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे क्वाइल घूमेगी, आर्मेचर घूमेगा तो उसके साथ ही घूमते रहते हैं। चौथा पार्ट हमारे पास में है कार्बन के ब्रश। ब्रश ये ब्रश होता है, कार्बन की पत्तियां होती है, जिसको हम ब्रश के नाम से जानते हैं, ये पत्तियां होती है जिसको हम ब्रश के नाम से जानते हैं, ये सर्पी वाले को स्पर्श करते, टच करते, घूमते नहीं, जैसे यहाँ हमने बता रहा, ये घूम नहीं रहे, सिर्फ स्पर्श करते, टच करके रखते, यहाँ ये टच करके रखेंगे, कार्बन ब्लैक वाली पत्तियां है, ये कार्बन की पत्तियां होती है, ये घूमती नहीं है, ये केवल स्पर्श करके रखती है, और बाहरी सर्किट जो होता है, ये जो सर्किट जो होते हैं एक्सटर्नल सर्किट, ये इसी कार्बन की ब्रश से ही जोड़ा जाता है। तो इस तरह से चार पार्ट हो गए इसके, जब भी डायनो आए ये चार भाग लिखना, क्या, पहला फील्ड मैग्नेट, इसको हम क्षेत्र चुंबक के नाम से जानते हैं, क्षेत्र चुंबक में क्या होगा, यदि छोटा डायनामो है तो यू आकार का मैग्नेट लेंगे, और यदि बड़ा डायनामो है तो क्या करेंगे हम, एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मैग्नेट लेते हैं। दूसरा पार्ट हमने देखा आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है, एक तांबे के तार की क्वाइल होती है, ये एक तांबे के तार की क्वाइल होती है, जो कि क्या होती है, घूमती रहती है, ये घूमने वाला भाग आर्मेचर है हमारे पास में, ये घूमने वाला भाग, यहाँ भी आर्मेचर है और यहाँ भी आर्मेचर है, ये तांबे के तार की कुंडली होती है, जो कि क्या होती है, चुंबक, जो दोनों भूखंड होते हैं, ये दोनों पोल होते हैं, इस पोल के बीच में क्या होती है, घूमती रहती है, और इस आर्मेचर का जो संबंध होता है, एक सर्पी वाले से होता है, और दूसरे सिरे का संबंध दूसरी सर्पी वाले से होता है। तीसरा पार्ट हमने देखा सर्पी वाले स्लिप रिंग, ये तांबे के तार, तांबे की बनी होती है, और तांबे की रिंग, दोनों रिंगें होती है, दोनों की एक्स एक ही होती है, मतलब दोनों एक ही लाइन में लगी होती है, और इस रिंग का क्या होता है, आर्मेचर का एक सिरा एक रिंग से होता है, और एक सिरा दूसरा सिरा होता है दूसरी रिंग से जुड़ा होता है, दोनों सिरे एक साथ नहीं जुड़े होते, इसे ध्यान रखना। यदि मान लो ये आर्मेचर ये इधर जुड़ा हुआ है तो दूसरा भाग इससे जुड़ा रहेगा, एक सिरा इससे जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा इससे जुड़ा होता है, सभी में ध्यान रखना। आर्मेचर के दो सिरे होते हैं, जैसे यहाँ क्लियर दिख रहे हैं, एक भाग इससे जुड़ा हुआ, दूसरा तार इससे जुड़ा हुआ, यानी आर्मेचर के दोनों सिरे अलग अलग रिंग से जुड़े होते हैं, और ये रिंग क्या होती है, आर्मेचर के साथ घूमती रहती है। चौथा भाग हमने ब्रश देखा, ब्रश क्या होती है, कार्बन की पत्तियां होती है, और ये घूमती नहीं है, सर्पी वाले को स्पर्श करके रखती है, और बाहरी परिपथ सर्किट जो जोड़ते हैं एक्सटर्नल सर्किट,
बाहर जैसे करंट फ्लो करना, जैसे इससे करंट फ्लो हो रहा, तो ये इसी ब्रश की सहायता से हम पार जोड़ते हैं। डायनामो की कार्यविधि देखेंगे। वास्तव में जो डायनामो की कार्यविधि होती है वो विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित होती है। ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है इसकी कार्यविधि। तो विद्युत चुंबक की प्रेरण हमने पढ़ रखा कि जब भी किसी कुंडली को, क्वाइल को या आर्मेचर को किसी चुंबक के बीच घुमाते हैं, उसके चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है, और उस चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने के कारण से उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, उसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो हमारा जो सिद्धांत होगा जो है विद्युत चुंबक की प्रेरण पर आधारित होगा। जब भी जनरेटर आ जाए या जनित्र आ जाए तो उसका सिद्धांत पूछा जाता है, तो विद्युत चुंबक की प्रेरण पर आधारित होता है। और विद्युत चुंबक की प्रेरण में क्या होगा कि जब भी किसी कुंडली को हम घुमाएंगे या अपेक्षित गति करवाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है, और जब भी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो उसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर हम इसकी कार्यविधि लिखेंगे कि जब आर्मेचर एबीसीडी को चुंबक के बीच घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है, तो जो हमारे पास जो कुंडली होगी वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा। इस तरह से ये बल रेखाओं को इसमें अंदर जाएगी, कम होगी ज्यादा होगी, जब ये कुंडली घूमेगी तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा। ये चुंबकीय बल रेखा होती है, और जब ये कुंडली घूमती है तो ये बल रेखाओं को, ये जो बल रेखा है इसको काटेगी, तो काटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जब भी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। जनरेटर का काम ही ये होता है कि हमने जो कार्य किया है उसको घुमाने के लिए, उसके कारण से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करना, प्रेरित धारा उत्पन्न करना होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसकी दिशा हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम देंगे, सीधे हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से राइट हैंड रूल से देंगे। अब इसमें हमने मान लिया कि ए बी जो है क्वाइल है, इसका ऊपर वाला तल ये ऊपर आ रहा है, मान लो कि क्वाइल घूम रही है, ये कुंडली घूम रही है, और मान लो कि ए बी तल ऊपर आ रहा है और सी डी नीचे जा रहा है। हमने मान लिया कि किसी क्षण जैसे ये ऊपर आ रही है और एक तल नीचे जा रहा है, तो हमने मान लिया है कि ए बी वाला भाग ऊपर आ रहा है और ये सी डी वाला नीचे जा रहा है, क्वाइल घूम के इस तरह से जा रही है। तो जब ए बी ऊपर जाएगा तो हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ा था कि ये अंगूठा होता है, ये चालक की गति की दिशा को या बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये जो अंगूठा होता है इसको हम ऊपर क्यों रखेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी ऊपर क्यों आ रहा है। फिर एम से एस जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रदर्शित करती है, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना, इस डायरेक्शन में रखना एन से एस की, और अंगूठे को क्या करना, ऊपर क्यों रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये भी ऊपर आ रहा है। तो जो तर्जनी होगी, मध्यमा होगी बीच की उंगली, ये हमारे धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें जो धारा होगी इस डायरेक्शन में ए से बी की ओर प्रवाहित होगी, ए से बी की ओर प्रवाहित होगी, ए से बी की ओर धारा जाएगी और इधर जाएगी। तो अब ये सीढ़ी नीचे आ रही है, देखो ए बी ऊपर जा रही है तो सीढ़ी क्या होगी, नीचे आएगी, सीढ़ी नीचे आएगी तो नीचे करने के क्या करना पड़ेगा, अंगूठे को नीचे करना पड़ेगा, अंगूठे को नीचे करेंगे हम इस तरह से, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, इसको हमेशा एन से एस की ओर रखना। तो ये वाली जो उंगली होगी कौन सी, मध्यमा बीच की, ये धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, तो धारा किधर आएगी, नीचे की तरफ, तो इसमें धारा नीचे की ओर प्रवाहित होगी। तो इस तरह से धारा ए बी सी डी की ओर आएगी, और उसके बाद में स्टार में आएगी, यहाँ से बी टू में आएगी, और बी टू से क्या होगी, धारा हमारे पास बी टू से बी वन की ओर इस तरह से प्रवाहित होगी। तो धारा बाहरी परिपथ में बी टू से बी वन की ओर प्रवाहित होने लगती है, बी टू से बी वन की ओर प्रवाहित होगी, यानी बी टू पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवाहित होगी। तो बी टू को हम पॉजिटिव मान लेंगे और बी वन को निगेटिव मान लेंगे। अब मान लो कि ये घूम के ए बी क्या हो गया, इधर आएगा और सीधी इधर आ गया। अब मान लो कि ये घूम के ए बी वाला पार्ट इधर आएगा, सीढ़ी वाला इधर आ गया। अब मान लिया कि सीढ़ी ऊपर आ रही है, हमें क्या माना कि पहले ए बी ऊपर आ रही थी, अब सीढ़ी ऊपर आ रही है, सीढ़ी ऊपर आ रही है, तो उल्टा क्या करना, ऊपर डायरेक्शन में करना, ऊपर की ओर रखना, फिर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इधर की इधर रखना, इस डायरेक्शन में, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ये बल रेखा इधर से इधर निकले इस तरह से, ये चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर उंगली रखना, अंगूठा ऊपर रखना, तो ये मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करके धारा इधर जाए,
यानी डी सी बी ए टाइप से धारा प्रवाहित होगी और डी सी बी ए में धारा आएगी यहाँ से यहाँ और फिर इस रिंग में आएगी, इस रिंग से धारा इस ब्रश में आएगी बी वन से बी टू की ओर धारा प्रवाहित होगी। इस कंडीशन में धारा बी वन से बी टू की ओर प्रवाहित होती है। देखो पहले वाले में धारा कैसे प्रवाहित हो रही थी, देखो बी टू से बी वन की ओर, ये बी टू ब्रश था और ये बी वन ब्रश है, इसको हमने बी टू ब्रश दे दिया और ये बी वन ब्रश है, तो बी टू से बी वन की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। और दूसरे वाले में देखो उल्टा हो रहा है, दूसरे वाले में उल्टा हो रहा मतलब धारा किधर से किधर जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसमें आएगी धारा पहले और बी वन से बी टू की ओर धारा प्रवाहित होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आधे चक्र में धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया और आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका कहने का मतलब ये होती है कि धारा हम लोग को प्राप्त होती है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव साइकिल होकर डायरेक्शन चेंज होती है। ये जो धारा होती है ये धारा हमारे पास में कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट अपने को प्राप्त होता है। यानी ये डायनमो बनेगा वो डायनमो एसी डायनमो कहलाता है। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि जब कुंडलिका तक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, मान लीजिए कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है और ये मैग्नेट है, यदि ये लंबवत है परपेंडिकुलर इस तरह से कॉइल का सीधा भी मान लो इस तरह से लंबवत होता है, ये जो बल रेखा होगी इसमें से बहुत कम गुजरेगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स मान जीरो होगा और उस कंडीशन में धारा का मान भी शून्य होगा। कब? जब कुंडली का तल इस चुंबक के क्षेत्र के लंबवत होता है तब फ्लक्स का मान जीरो, फ्लक्स का मान जीरो तो धारा भी जीरो क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, शून्य फ्लक्स होगा। और जैसे जैसे घूमते जाएगी क्या होता है, फ्लक्स मान बढ़ता जाएगा तो धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी शुरू में कुंडली ऐसी थी लंबवत थी जीरो, जैसे जैसे घूमती जाएगी फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। जब ऐसी हो जाएगी दोनों एक दूसरे समांतर हो जाएगी, यानी इस तरह से मैग्नेट भी ऐसा कुंडली जैसे, तो ज्यादा ज्यादा इसे बल देखा जाएगा और ज्यादा ज्यादा इसमें धारा प्रवाहित होगी मैक्सिमम, फिर ये घूमेगी इस तरह से, फिर कम होता जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगी लंबवत हो जाएगी, तो एक चक्र में जीरो से अधिकतम फिर उल्टी दिशा में चलेगी, उल्टी दिशा में जीरो से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से पूरे चक्र में जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, यानी ये जो धारा प्राप्त होती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा के नाम से जानते हैं। इसकी कार्यविधि यहाँ भी अपन समझा सकते हैं, मान लो ए बी ऊपर आ रहा, ए बी ऊपर आ रहा तब का ऊपर करना चुंबकीय क्षेत्र में से एन से एस की ओर होता है, इधर आएगा ये एन से, ये उंगली हमेशा एन से एस की ओर रखना अंगूठा ऊपर तो धारा किधर जाएगी, ए बी सीधी दिशा में आएगी, तो इधर इस तार में आएगी, ये वायर है, ये वायर है, यहाँ आएगी तो धारा पहले बी टू से बी वन डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, बी वन से बी टू, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ऐसे पूरा सर्किट में धारा चलेगी। अब इसमें क्या हुआ, इसकी स्थिति बदल गई, ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, अब मान लो कि सी डी ऊपर आ रहा, सी डी ऊपर आ रहा इस तरह से ऊपर घूम रहे कॉइल पर, सी डी ऊपर आ रहा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ये सी डी ऊपर तो धारा डी सी बी ए दिशा प्रवाहित होगी, नीचे आ रही, नीचे आ रही, ए बी नीचे आ रही, अंगूठे को नीचे करना चुंबकीय क्षेत्र किधर, ये उंगली धारा की दिशा, धारा किधर आएगी, इस डायरेक्शन, इस तरह से धारा डी सी बी ए दिशा में प्रवाहित होगी, डी सी बी ए यहाँ से धारा यहाँ आएगी, यहाँ से इस रिंग में आएगी, इस रिंग से धारा इधर बी वन से बी टू की ओर प्रवाहित होगी। इस तरह से ये डायग्राम भी अपने को बना के समझा जा सकता है। तो डायनमो मतलब जो एसी को प्रत्यावर्ती धारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम डायनमो कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।